नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों से प्यार के कारण ही उनकी जयंती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौलिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रकार का स्टॉल लगाकर प्रतिभाग के तथा मेले के माध्यम से बच्चों ने कूपन लेकर लगाए गए स्टॉलों पर जमकर खरीदारी की। उप प्रधानाचार्य अजय पांडे ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों से उनका विशेष लगाव था तथा बच्चे उन्हें बहुत ही प्रिय थे। उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। आज विद्यालय में 100 से अधिक बच्चों ने बाल दिवस पर मेले में प्रतिभाग किया, जिसमें 9 से 11 स्टॉल अलग अलग लगे हुए हैं। कुछ बच्चों ने खेल का भी आयोजन किया, जिसमें वाटरफॉल, मोमबत्ती क्लास तथा अलग अलग तरीके से बच्चों ने प्रतिभाग किया। कई वर्षों के बाद 2022 में इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानाचार्य अजय पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विद्यालय में चिल्ड्रन डे के दिन मेले का आयोजन हुआ जी। विद्यालय में कितने बच्चों ने प्रतिभाग लिया और क्या क्या स्टॉल लगा इसके बारे में? करीब 700 से 125 बच्चे प्रतिभाग किए हैं मेले में स्टॉल के रूप में, जिसमें 9 से 11 स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग। कुछ स्वीट्स हैं और स्नैक्स के हैं, गेम्स भी बच्चे कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं। मोमबत्ती कैंडल्स है, वाटरफॉल्स के गेम्स है, मोमबत्ती है, ग्लास फॉल का गेम लगा हुआ है और अलग अलग तरीके के बच्चों ने प्रतिभाग किया हुआ है। हाइजेनिक तरीके से कोटेशन के साथ टाइमिंग और सब देखते हुए, और हमारे टीचर सब भी जितने थे बच्चों को तैयार किए हैं। गार्जियन भी बहुत सारा भीड़ था। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है मेला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे, जो कि बच्चों के बहुत प्यारे थे, उन्हीं के नाम पे मनाया जा रहा है। और कई वर्षों बाद हम फिर बाल मेला का आयोजन किए हैं 2022 में, और बच्चे अलग अलग तरीके से इस पर कूपन की व्यवस्था की गई थी। बच्चों के साथ कैश वगैरह वहाँ नहीं दिया गया था। हमारे टीचर्स के साथ कैश काउंटर बना हुआ था, जहाँ से बच्चे अलग अलग रेट्स के कूपन लेके और वहाँ जाके वहाँ भी कैशियर के रूप में बच्चे कैशियर, शॉपकीपर और अलग अलग तरीके के जिस बच्चे में जो प्रतिभा थी और खाने बनाने से लेकर सारी चीज़ें बच्चे अपने तरीके से किए हुए हैं। और अभी भी थोड़ा सा बच्चों को ब्रेक दिया गया है, 1 घंटे बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक मेले का हम शुभारम्भ करेंगे। बाल दिवस इनके बच्चों को बहुत प्रिय थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसकी वजह से बहुत प्रेम करने की वजह से 14 नवंबर से ही बच्चों का बाल दिवस।